हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो मेरे एक हफ्ते से ब्लॉग नहीं आ रहे थे उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मैं नहीं डाल पाई थी। और अब से कंटिन्यू रहेंगे मेरे ब्लॉग्स। और जो आज का ये ब्लॉग है वो मेरा एक हफ्ते पहले का ही है। वो एडिट हो गया था लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था, तो आज का जो ब्लॉग है वो एक हफ्ते पहले का ही है, ठीक है। और कल से हमारे न्यू ब्लॉग्स रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे डेली वाले। और ठीक है, तो फिर आप इंजॉय कीजिए। जैसे कि मैंने प्रण लिया था कि मैं आज से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, तो बस अब चलते हैं और पढ़ते हैं। सच में जब सिलेबस देखो ना, तब ऐसा लगता है कि कितना है पढ़ने के लिए। तो फिर चलें, करते हैं आज से पढ़ाई स्टार्ट। और मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई को। मैं ना जब भी पढ़ना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले हिंदी ही लेती हूँ। हिंदी अच्छी लगती है क्योंकि हिंदी में थोड़ा बहुत हो जाता है। और मुझे सबसे अच्छी ड्राइंग लगती है। सच में काश ये मेरा सब्जेक्ट रहता तो कसम से मैं इसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेती। चलो तो फिर बिस्मिल्लाह कर आज शुरू करते हैं कुछ नया, कुछ पढ़ने का। क्या पढ़ूँ? सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने नहीं पढ़ा है अब तक। सच में हिंदी ही पढ़ूंगी सबसे पहले पढ़ूंगी मैं हिंदी। एक ये हिंदी है मेरे पास, सामान्य हिंदी आदित्य की, और एक लूसेंट की। मैं ये वाली पढ़ती हूँ और इसमें से कुछ पढ़कर मुझे मुझसे कहूँगी कि वो मुझसे क्वेश्चन कर ले, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हिंदी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है। वैसे मैं इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, और मैं इसमें से जो भी टॉपिक पढ़ूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद आप कमेंट में उनसे जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन ज़रूर करें। मैं खुद को आज़माना चाहूँगी कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना सही पढ़ा है। तो मैं इसमें से क्या पढ़ूँ, थोड़ा ईजी ही पढ़ूँगी ताकि आप अगर क्वेश्चन करें तो फिर मैं उसका जवाब दे सकूं। तो मैं इसमें से क्या पढ़ना चाहूँगी, तो मैं इसमें से बर्तनी पढ़ना चाहूँगी। और आप मुझसे कोई भी बर्तनी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ मैं इसलिए। ठीक है, चलो चलते हैं बर्तनी की तरफ। 133। या अल्लाह, है तो बहुत ज्यादा। मैं एक दिन में इतना शायद कवर नहीं कर पाऊंगी। मैं बस ये वाला और ये एक ही पेज कवर करूंगी आज। ठीक है, और आप मुझसे जरूर पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझसे पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। अब जब मैंने आपसे बोल दिया है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया और मैं जवाब नहीं दे पाई तो कितना गलत हो जाएगा और मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ और एक घंटा ही पढ़ पाऊंगी बस। तो एक घंटे बाद मिलती हूँ आपसे। ओके, चलो डालते हैं गमले में पानी। अम्मी आई नहीं है छत पर अभी तक, और नानी भी नहीं आई हैं, नानी नीचे हैं। आज मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी नानी से। ये है मेरी नानी, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हैं। इस एज में आके इतनी खूबसूरत हैं, सोच अपनी उस टाइम क्या होगा। नानी ऐसे बोल दो हेलो। हेलो। नानी सलाम करो। हंसती क्यों हो नानी, सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम नानी ने बोला है। नानी सच में बहुत सही है, बहुत ज्यादा स्माइल करती रहती हैं, बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चों की तरह। पानी गया भर। अम्मी ये वाली बाल्टी भी हो
बाल्टी भरी हुई और मम्मी से कह रही थी मैं ये वाली बाल्टी भी भर दूं क्या। मौसम बड़ा सही हो रहा है, कितनी भारी बाल्टी हो रही है पौधों में पानी। अब मग्गा लेने के लिए नीचे जाओ। चलो भाई चलते हैं। हमें छत पर नहीं चलना है, पौधों में पानी डाल। बाल्टी तो मिल गई वहां पर। हाँ मग्गा लेके जा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह देख लीजिए मैंने कितना अच्छा बनाया है, मतलब बनाया नहीं है मैंने, कितना अच्छी तरीके से साफ किया है इसे। अच्छा लग रहा है ना। नहीं हमारे बाबू को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और ठीक भी है, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए। माशाल्लाह मेरे बाबू अब भी बहुत स्ट्रांग हैं। मैंने चारपाई बिछा दी बाहर, ये नहीं कि बाहर आके बैठे हैं, अंदर हैं। नानी आओ, नानी। और मैं अपनी चारपाई दिखाऊं, इसे देख के मेरी आंखें चिलमिला जाती हैं, चारपाई को कलर देख के। मुंह हाथ धो रही हो, क्या जरूरत है मुंह हाथ धोने की, गर्मी बहुत है क्या? अभी तो लगाई जीने, तुमने आंगन में लगाई जन्ने लगाई क्या चीज? झाड़ू। अच्छा बर्रो पड़ेंगे ये बर्रे या। सच में इन्होंने बहुत ज्यादा आतंक काटा है हमारे घर में। हल्का हल्का झला पड़ना शुरू हो गया है। ऐसी अम्मी रात में झला पड़ रहे हैं, अम्मी ने फटाफट भैया बिस्तर समेट लिए। कई बार नहीं पड़ी है तब जाके इतनी मिन्नतें की है नानी तब जाके आप रुकी हो, ठीक है आपको पता होना चाहिए। शाम के बज रहे हैं 5 और सब लोग छत पर बैठे हैं, तो खाली बैठे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो सोचा कि कुछ खा पी ले। अब क्या खाएं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो जो सबकी फेवरेट वही चीज में गर्म करके अब खाएंगे। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, आप लोगों को कैसी लगती है बिरयानी? ये रही लाजवाब बिरयानी, और इसे मैं लेके जाती हूँ छत पर। अब छत पर खाते हैं, मिलते हैं बाद में। ये नानी, अम्मी और मैं बिल्कुल एक से हैं। और नानी की तरह कही जाती है अम्मी, और अम्मी की तरह कहा जाती हूँ मैं। देखा कितने मिलते हैं हम लोग, पर ये बात अलग है कि मैं मोटी ज्यादा हूँ इन लोगों से। नानी बोलो, आप वीडियो बहुत अच्छी बनाती हो। आप वीडियो बहुत अच्छी बनाती हो। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या कहा? ये कहो नानी, इधर देखो, ये कहो इनकी वीडियो को लाइक करो। जो ना कहेगा हमें वो कहवा देंगे।
इनकी वीडियो को लाइक करो। कौन है ना, चल नानी कहना, नानी कहियो लाइक करो, लाइक करो। नानी मजाक सर के मैं वीडियो बना लूं। तो बना ली भैया, हमें मत बोलो। करो कब लाइक करो, क्यों कहो। क्यों कहो, क्यों मैं नवासी नहीं तुम्हारी। अरे मैं ये कह रही नवासी नहीं है। हाँ नहीं कह रहा, वो कह रहा है इनसे एक एक बार कह दो नानी चश्मा कहाँ तुम्हारा। चश्मा आंखों पर लगा है और कांच चश्मा। नानी इनसे बोलना लाइक करो। बोलना लाइक करो, लाइक करो। हाँ सब्सक्राइब करो, सब सब्सक्राइब करो, करो। हाँ कमेंट करो, कमेंट कमेंट करो, बोलो कमेंट। हंसने वाली कौन सी, बोलो कमेंट, कमेंट कमेंट करो। नानी के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अब पापा आ चुके हैं और किस किस को इंतजार रहता है पापा के आने का, क्योंकि पापा जब भी आते हैं तो चीज़ लेकर आते हैं। और ये हमारे साथ हमेशा से हुआ है, यानी कि बचपन से ही हमने ये देखा है कि पापा आते हैं तो चीज़ का इंतज़ार बहुत रहता है। और मैंने फटाफट आम धोए, आप देख ही सकते हैं, और यहाँ मुझे इसमें से एक ऐसा आम मिला जो देखिए बिल्कुल हार्ट की तरह लग रहा है ना, बिल्कुल हार्ट लग रहा है ना। मैंने ऐसे देखा, मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल हार्ट लग रहा है, और फिर मैंने क्या किया फटाफट फ्रीज में रख दिया आम ताकि वो जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाएँ। और मैंने सोचा जब तक ये ठंडे होंगे जब तक मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, तो चलिए मेरा काम शुरू हो जाता है। मैं बनाती हूँ यहाँ पर रोटी, और आप लोग भी देखिए वैसे किस किस को रोटियाँ बनानी अच्छी लगती हैं, यानी कि किस किस की रोटी गोल होती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी रोटी थोड़ी थोड़ी गोल हो जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रही मेरी रोटी गोल गोल है ना। और सबसे बड़ा प्रोसेस होता है कि कैसे सेका जाए, तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ रोटियाँ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे सेकी जाती हैं फिलहाल। और एक ही बार में सीख लेना क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊँगी। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको चाय बनाना भी सिखाई होगी है ना, तो कैसी लगी वो। और ये रोटी मेरी सीख गई, और सच में जब ये गोल गोल रोटी ना फूल जाती है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बस मैं हैप्पी। हाँ तो रोटियाँ बन गई हैं और अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 400 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, बस 500 करवा दीजिए ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मैं आधी नदी पार कर चुकी हूँ। तो बस अपना सपोर्ट अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए मेरे चैनल के साथ। ओके टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।